हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेसफुल कुजीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी लेके आई हूँ, फुदीना रायता। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम दही और आधा कटोरी हमने फुदीने की पत्तियाँ ली है, आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून काला नमक और चार हरी मिर्ची कलियाँ जिनको हमने पहले से ही बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन फुदीने की पत्तियों को अच्छे से धो लेंगे और इनको ग्राइंडर में ग्रिल कर लेंगे। अब इस पुदीना के पेस्ट को हम दही में मिक्स करेंगे जो हमने ग्राइंडर में ग्रिल कर लिया है। ये बारीक चॉप कटा हुआ हरी मिर्ची, आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून काला नमक और बाकी आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं इसमें, जो नॉर्मल नमक हम लोग यूज़ करते हैं वो। ये मैंने अपने हिसाब से नमक डाला है टेस्ट अनुसार, आप भी चाहे तो डाल सकते हैं इसमें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले दही के साथ। तो ये तैयार हो, मैंने इसको कश्मीरी लाल मिर्च और एक फुदीने के पत्ते के साथ गार्निश किया है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। और ये तैयार हो गया हमारा फुदीना रायता। इसे आप डोसा के साथ, इडली के साथ, पराठा